हनुमान बेनिवाल चंद्रशेखर आजाद। एक बार दोनों हाथ खड़े करके विश्वास दिलाए भाई साहब श्री को कि पिछली बार जो कमी रही थी उस कमी को पूरा करेंगे और इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को जिताकर आपके साथ भेजने का काम करेंगे। अब मैं निवेदन करूंगा भाई साहब श्री चंद्रशेखर जी आजाद। जय भीम। समय हो गया ज्यादा, तो ज्यादा लंबी चौड़ी बात करके तो कोई फायदा नहीं। हनुमान जी ने सारी बात आपसे बता दी। आपके जो है प्रत्याशी आनंदी राम जी, वो बहुत जिम्मेदार समझदार लड़ाकू आपके हकों के लिए लड़ने वाले प्रत्याशी हैं। यहाँ बड़ी सादड़ी में शंकरलाल जी हमारे एक और प्रत्याशी हैं गठबंधन के। मुझे आपसे 5 मिनट ये कहना है, अभी हमारे लोग लोकतंत्र को समझे नहीं। इस देश में समय समय पे जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए और सबसे ज्यादा धन्यवाद दूंगा बाबा साहब अम्बेडकर सर छोटू राम जी का, जिन्होंने आजादी से पहले भी इन वर्गों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए इस लड़ाई को लड़ने का काम किया और आज भी ये लड़ाई जारी है। उनकी संतानें आज मिलकर इस लड़ाई को लड़ रही है कि भारत और राजस्थान में हर व्यक्ति को, चाहे वो कहीं रहता हो राजस्थान किसी कोने में, स्वाभिमान सम्मान और सुख सुविधा का जीवन मिल सके, इसकी तैयारी करके हमने ये अलायंस किया। और अलायंस इसलिए किया, हम दोनों लड़ाके हैं, जहां भी अन्याय होता है लड़ते हैं, लेकिन इसलिए कि ये जो शक्ति है, जो बटी हुई शक्ति है, इसको इकट्ठा किया जाए और वास्तव में अगर राजस्थान का भला करना है तो भले को दृष्टिकोण रख के भाजपा और कांग्रेस के चंगुल से यहाँ के लोगों को आजाद करा के उनकी गुलामी की बेड़ियों को काट के उनको सुख सुविधा सम्मान सम्मान का जीवन देने के लिए हमें इस ऐतिहासिक कदम को उठाना चाहिए। फिर हमने ये इस फैसले को और बल दिया, पिछले तीसरा दिन आज हमें यहाँ है राजस्थान में हम लोग मिलकर प्रचार कर रहे हैं। जिस तरह का माहौल भरतपुर अलवर में है, जिस तरह का माहौल दौसा में है, जिस तरह का माहौल आज यहाँ मेवाड़ की धरती पे देखने को मिल रहा है, मैं लिख कर देता हूँ कि आने वाला कल अगर राजस्थान में किसी का है तो वो किसानों का, नौजवानों का, कमजोरों का, महिलाओं का, बुजुर्गों का, आरएलपी का और एसपी का है। इसे कोई रोक नहीं सकता है, इसे कोई थाम नहीं सकता है। ये एक ऐसी आंधी है जो बहुत तेजी से चली आ रही है। आप उम्मीद लगाइए, देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो 1000-2000 लोग जुट रहे हैं, वो भी अगर लेट हो जा रहे हैं तो अपनी गाड़ियों में बैठ के घर चले जा रहे हैं। कहना प्रधानमंत्री तो रोज कुछ ना कुछ झूठी बातें बोलते रहते हैं। जब मुख्यमंत्री आ रहे हैं 100-200 लोग इकट्ठे हो रहे हैं और कह रहे हैं कि बताओ और क्या झूठी बातें करोगे, 4.5 साल में लोग नहीं दिखाई दिए, 6 महीने में पता लगा कि सिलेंडर के दाम कम करने हैं, नौजवानों के लिए कोई अवसर लाना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको रोजगार के लिए यहां से बहुत दूर जाना पड़ता है, दूसरे प्रदेशों में प्लान करना पड़ता है और जब भर्ती आती है तो पेपर लीक करवा के मुख्यमंत्री जी और विधायक जी और मंत्री जी अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को कुर्सों पर बिठा देते हैं और आप यहाँ काम करने वाले पढ़े लिखे नौजवान अपना पेट पालने के लिए, अपना घर चलाने के लिए मध्य प्रदेश, गुजरात, पता नहीं किस किस प्रदेश में जाके अपने परिवार से दूर अपने परिवार को पालने के लिए काम करते हो। सम्मानित साथियों, अगर आपने अपनी वोट का सही प्रयोग किया, बाकी बात हनुमान जी ने कह दी मगर मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, अगर आपने अपनी वोट का सही प्रयोग किया तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ यहाँ से पलायन होगा नहीं। यहाँ के रोजगार को देखने के लिए अन्य प्रदेश के लोग राजस्थान आया करेंगे कि किस तरह से राजस्थान में खुशहाली बढ़ रही है। हमने कई बारों की सरकारें देखी हैं, अगर सरकार दिल से कुछ करना चाहे तो यहाँ इस क्षेत्र में भी बड़े बड़े रोजगार, कंपनियां, फैक्ट्रियां लग सकती हैं। एक एक विधानसभा में 20-30-30 हजार नौजवानों को रोजगार मिल सकता है, माँ और बहनों को घर पर रोजगार पहुंच सकता है। और जैसा हमारे प्रत्याशी, मैं धन्यवाद दूंगा उनके संकल्प का, उन्होंने संकल्प लिया कि वो जूते नहीं पहनेंगे, चप्पल नहीं पहनेंगे। मैं उनसे कहूंगा कि कुदरत के आशीर्वाद से और आप सब लोगों के सहयोग प्यार से वो दिन दूर नहीं जब इस क्षेत्र में पानी भी आएगा और यहाँ की समस्याओं का, हर एक समस्या का समाधान भी होगा और उस समाधान के सूत्रधार भी आप होंगे। मेरे प्यारे साथियों, ये बात आप गौर कर लो, आप भाषण रोज सुनते लोग,
मगर ये भाषण नहीं, ये आपकी सच्चाई है लोकतंत्र की। सरकारें बहुत वादे करते हैं, 700 रुपए का सिलेंडर, 500 रुपए का सिलेंडर, वृद्धा पेंशन, ये पेंशन, वो पेंशन, इतने पैसे, इतना किसानों को सम्मान निधि। आपको ने कभी सोचा कि सरकारों पे पैसा कहां से आता है? कभी आपने जानने का प्रयास किया? क्या मुख्यमंत्री जी कोई बिजनेस करते हैं जिससे पैसा निकाल के लाते हैं? क्या प्रधानमंत्री जी कोई जमीन बेच के पैसा निकाल के लाते हैं? आप और हम जो टैक्स देते हैं उसी पैसे से सरकार का बजट बनता है। आपका पैसा आपके ऊपर लगाना कोई बड़ा काम नहीं है, वो तो आपका पैसा लेकर लगाते भी नहीं है। लेकिन यहाँ आपके बीच में जो भावी मुख्यमंत्री है राजस्थान के, मैं लिख के देता हूँ हनुमान जी बेनीवाल, 3 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट है, एक एक पैसा गरीबों को उनको पैरों पर खड़ा करने के लिए लगाया जाएगा। और खुशहाली जब तक लोगों के घरों में नहीं आएगी तब तक हम लोग चैन से कुर्सी पर नहीं बैठ के आपके लिए संघर्ष करते रहेंगे। आज जो ये प्यार आपने कर्मासन की धरती पर दिखाया है, इतना बड़ा जनसैलाब जो आप यहाँ, इतने बड़े जनसैलाब के रूप में जो आप मौजूद है, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, किसी की बातों में मत आना। आपको प्रलोभन देने, आपको बेवकूफ बनाने, आपको आपसे बड़ी बड़ी बातें करने बहुत आएंगे। और मैं आनंदी राम से कहूंगा कि वो यहां आए, आपको ये बताओ, आपको 1 महीने का प्रलोभन और झूठी बातें चाहिए या 5 साल के लिए अपनी कुर्सी मजबूत करनी, आप बताओ। अगर 5 साल के लिए कुर्सी मजबूत करनी है तो 1 महीने वालों की बातों में मत आना। ये 1 महीने वाले चुनाव के बाद आपकी बस्तियों में नहीं आके देखेंगे, और अगर देखा हो तो आप अपने आप अपने आसपास जाके देख लो। कभी विधायक जी, मंत्री जी आपकी गलियों में आए हो क्या पूछने कि किसका पेट भूखा है, किसके सर पर छत है या नहीं है, किसकी बच्ची को पढ़ाई की दिक्कत आ रही है, किसके पिता को माँ को अच्छे इलाज की व्यवस्था नहीं हो पा रही है? अगर इन सबकी समस्या कोई दूर करेगा तो राजस्थान में RLP SP गठबंधन करेगा। और पावर ऑफ बैलेंस हमारे पास होगी, आप जनता के पास होगी, क्योंकि जितने विधायक हमारे जीत के जाएंगे उतनी ताकत हमारी बनेगी। और जब हमारे जरिए सरकार बनेगी तो वो आम जनता की सरकार होगी, किसानों, गरीबों, नौजवानों की सरकार होगी। और जब वो काम करेगी तो पूंजीपतियों के लिए काम नहीं करेगी, किसानों के, नौजवानों के, गरीबों के, कमजोरों के, बच्चों के लिए काम करेगी। और जिस तरह का शोषण कमजोर वर्गों पे यहाँ जाति के आधार पे किया जाता है, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, अपने साथियों को, जिस दिन आपके पास ताकत होगी ये सामंतवादी सोच भी उसी दिन घुटने टेक जाएगी, मेरी बात को याद आप रखना। उसी दिन सामंतवादी ताकतें क्या तो घुटने टेक देंगी या प्रदेश छोड़ के कहीं भाग जाएंगी, कोई गुंडागर्दी राजस्थान में नहीं रहेगी। अगर आपने सही फैसला ले लिया 25 तारीख को जब आप वोट डालने जाए, ना इधर देखे ना उधर देखे, सामने देखे और बोतल के बटन को दबाकर भाई आनंदी राम जी को विधानसभा भेजने का काम आप करें। और आपकी समस्याओं के लिए लड़ने की जिम्मेदारी आप हमारे पास छोड़ दें। और जो आपकी समस्याएं हैं आज या कल एक लिफाफे में लिख के वो आप हमें दे दें, 3 तारीख को जब परिणाम आ जाएगा और परिणाम आपके फेवर का होगा, 5 तारीख के बाद आपकी वो समस्याएं 6 महीने के अंदर क्या तो हम लोग खत्म करा देंगे, या फिर आपके लिए तब तक संघर्ष करेंगे जब तक वो समस्याएं खत्म ना हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।